Hello, welcome to our channel Kidney Treatment in Ayurveda. Before we proceed, please subscribe our channel and press the bell icon to get all the latest updates. नमस्कार, मैं आनंद पांडे स्वागत करता हूँ कर्मा आयुर्वेदा के YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे व्हाट इज फ्लैंक पेन, यानी कि पेट दर्द। पेट दर्द अक्सर आपको रिब्स के नीचे की तरफ महसूस होता है। इसकी वजह से पेशेंट को यूरिन इन्फेक्शन और किडनी स्टोन की बीमारी हो सकती है। किडनी का काम वेस्ट मटेरियल को फिल्टर करने का होता है, लेकिन जब किडनी ठीक से काम नहीं कर पाती है तो किडनी की खराबी की वजह से आपको दर्द महसूस हो सकता है। वैसे तो फ्लैंक पेन के कई कारण हो सकते हैं जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि किडनी इन्फेक्शन, पॉलिसिस्टिक किडनी डिजीज, किडनी स्टोन, डिहाइड्रेशन और मसल्स क्रैम्प्स आदि हो सकते हैं। फ्लैंक पेन के साथ कई लक्षण आपको महसूस हो सकते हैं, जैसे कि यूरिन पास करने में दिक्कत आना, फीवर, वोमिटिंग। ये अक्सर तब देखा जाता है जब आप डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम फेस करते हैं। इसके भी आप कुछ लक्षण महसूस कर सकते हैं, जैसे कि पसीना ज्यादा आना, ज्यादा प्यास लगना, सिर दर्द आदि हो सकते हैं। अगर हम बात करें फ्लैंक पेन के ट्रीटमेंट की, तो आप कुछ नेचुरल तरीके अपना सकते हैं, जैसे कि आप पानी का इंटेक ज्यादा करें। पानी के डेली रूटीन में सेवन से आप किडनी स्टोन की बीमारी होने से बच सकते हैं, और किडनी स्टोन के पेन के साथ साथ पेट के दर्द से भी आप बच सकते हैं। दूसरा है कैबेज की पत्तियों का सेवन करें। एक रिसर्च के मुताबिक कैबेज की पत्तियों के इंटेक से बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं। इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए आप प्याज और नमक के साथ इन पत्तियों को उबाल कर खा सकते हैं। इससे आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स इकट्ठा नहीं होंगे और इससे आपका पेट का दर्द भी कम हो जाएगा। तीसरा है ताजा नींबू के रस का सेवन करें, क्योंकि खट्टे फलों में पाया जाने वाला एसिड किडनी दर्द को कम करता है और किडनी स्टोन को तोड़ने में हेल्पफुल माना जाता है। अगर आप नींबू के रस का सेवन डेली रूटीन में करेंगे तो आप पेट के दर्द से बचे रहेंगे। इसका सेवन आप पानी में नींबू रस मिलाकर भी कर सकते हैं। आखिरी है डेंडेलियन टी का सेवन करें, क्योंकि ये आपके यूरिन अमाउंट को बढ़ा देती है, जिससे आपकी बॉडी से वेस्ट मटेरियल यूरिन के जरिए बाहर निकल जाते हैं, जिससे आपको किडनी की बीमारी नहीं होती है और यह किडनी से जुड़े दर्द से भी आपको बचाती है। साथ ही साथ डेंडेलियन टी आपकी किडनी की वर्क कैपेसिटी को इम्प्रूव करती है। इसी तरह कुछ और तरीके हैं जिनका आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप भी किडनी से जुड़े दर्द को महसूस कर रहे हैं तो इसी तरह कुछ और तरीके हैं जिनको आपको ध्यान रखना होगा, जैसे कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करें, डेली रूटीन में एक्सरसाइज करें, क्योंकि इससे आपके मसल्स को मिनरल्स के कंजम्पशन करने में हेल्प मिलती है। किसी भी तरह की किडनी की चोट से बचें। अगर आपको फ्लैंक पेन की प्रॉब्लम है तो आपको मेनली दो बीमारियों का ध्यान रखना होगा। पहला है सूजन की वजह से होने वाले पेट का दर्द का ट्रीटमेंट करवाया जाए। सूजन आपको गठिया और इन्फेक्शन की वजह से आ सकती है, जिसके लिए आपको डॉक्टर से तुरंत चेकअप करवाना चाहिए। दूसरा है किडनी स्टोन की वजह से होने वाले पेट के दर्द का ट्रीटमेंट जल्द से जल्द करवाएं। इसके लिए आप किडनी के डॉक्टर से जरूर चेकअप करवाएं। आप कुछ तरीके अपना सकते हैं जिससे आप पेट के दर्द से बचे रहेंगे। रोजाना दिन में कम से कम 8 ग्लास पानी पिएं, शराब का सेवन न करें, साफ सफाई का ध्यान रखें जिससे आप इन्फेक्शन से बचे रहेंगे। तो दोस्तों, यह थी फ्लैंक पेन से जुड़ी कुछ जरूरी जानकारी। अगर आप या आपका अपना कोई इस बीमारी से जूझ रहा है तो आप हमारे कर्मा आयुर्वेदा किडनी केंद्र से भी संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा किडनी केंद्र से संपर्क करने के लिए आप हमारा नंबर, ईमेल व केंद्र का पता डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अगर आप भी सेफ साइड पर आना चाहते हैं तो अपनी लाइफस्टाइल
और खाने की हैबिट्स में कुछ चेंजेस लाने आपके लिए बहुत जरूरी हैं। साथ ही कर्मा आयुर्वेदा में ट्रीटमेंट के साथ साथ आपको प्रॉपर डाइट प्लान भी प्रोवाइड किया जाता है। अगर आपको किडनी से जुड़ी कोई भी समस्या हो तो अपनी अपॉइंटमेंट अभी फिक्स करें। आप हमें दिए जा रहे नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप करके अपनी रिसेंट रिपोर्ट्स भेज सकते हैं और हमारे डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, या फिर आप अपॉइंटमेंट फिक्स करके हमारे ऑफिस डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं। हमारा पता है G20 NDM 1 नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, दिल्ली। स्टॉप किडनी डायलिसिस।